मोहम्मद रफी सदी के महानतम गायक कहे जाते हैं तो उसके पीछे बहुत ठोस कारण हैं। है। का उसके दर से दीवाने हैं दीवानों को तो। ले ये जिंदगी के मेल की दुनिया को छोड़ से ना रहा गर्देशों में हर उनके सुरों का पक्कापन शास्त्रीय रागों पर उनकी पकड़ के अलावा संगीत के प्रति उनके समर्पण और अनुशासन ने उन्हें फिल्मी गानों का पिताज बादशाह बनाया अपने काम के प्रति रफी साहब का समर्पण अद्भुत था हम सब जानते हैं कि फिल्मी दुनिया दिखाने और दिखावा करने वाले लोगों से भरी पड़ी है इस ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े ज्यादातर लोग रंग बिरंगी रोशनी पार्टियों चकाचौंध करने वाली लाइफ स्टाइल में डूबकर एक तरह से खोखली जिंदगी जीते हैं लेकिन रफी साहब ना तो दिखावा करते थे और ना अपना महत्व दिखाने के लिए किसी को परेशान करते थे इसके विपरीत रफी साहब ये कोशिश करते थे कि उनकी वजह से किसी को नुकसान ना हो जाए यही वजह थी कि वो इस फिल्म के मशहूर गीत को गाने के लिए 102 डिग्री बुखार में भी रिकॉर्डिंग करने चले गए थे और इतनी तेज बुखार में उन्हें इस गाने के लिए 21 रिटेक देने पड़े लेकिन उनके चेहरे पर शिकन तक ना आई तो दोस्तों आज की इस खास पेशकश में इसी नया फिल्म इसके अमर संगीतकार इस फिल्म से निकलने वाले स्टार और खास तौर पर रफी साहब की शख्सियत की नायाब मिसाल के बारे में कुछ जानकारियां लेकर हाजिर हुए हैं महानतम गायक मोहम्मद रफी के लाजवाब गीतों के नायाब खजाने में एक गीत ऐसा है जो उन्होंने 102 डिग्री बुखार में गाया था बहुत से श्रोताओं और रफी साहब के दीवानों को शायद ये बात पता नहीं होगी कि जब रफी साहब 102 डिग्री बुखार में तप रहे थे तब उन्होंने डॉक्टर की मनाही के बावजूद ये गीत गाया 1961 में एक फिल्म आई थी शोला और सबनम इसमें धर्मेंद्र और तरला मेहता लीड रोल में थे इस फिल्म से धर्मेंद्र को बहुत नाम और शोहरत मिली लेकिन गुजराती एक्ट्रेस तरला मेहता को कोई फायदा नहीं हुआ उन्हें अब कोई याद भी नहीं करता ये 1960 यानी 60 का दशक था देश को आजाद हुए 10 साल से ज्यादा हो गए थे और लोगों की उम्मीदें उफान पर थी इन्हीं उम्मीदों पर सवार होकर पंजाब के युवा धर्म सिंह देओल ने फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट का फॉर्म भरा धर्म सिंह अपने पिता से बहुत डरते थे लेकिन उनकी मां धर्म सिंह को मुंबई जाने का इशारा कर दिया यहां निर्माताओं के दफ्तर और फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाते लगाते धर्म सिंह को 1960 में पहली फिल्म मिली दिल भी तेरा हम भी तेरे और इस फिल्म के साथ नया नाम भी मिला धर्मेंद्र इसके एक साल बाद निर्माता निर्देशक रमेश सहगल ने उनको दूसरा मौका शोला और शबनम फिल्म में दिया ये बहुत खूबसूरत फिल्म थी जिसमें उनके काम को खूब तारीफ मिली और धर्मेंद्र को पहचान भी मिली धर्मेंद्र ने एक फिल्म में बताया था कि इस फिल्म में वो और उनकी हीरोइन तरला मेहता दोनों ही न्यू कमर थे इंडस्ट्री में दोनों का कोई गॉडफादर नहीं था इसलिए शूटिंग के दौरान दोनों जब भी आपस में बात करते तो यही कहते थे कि चिंता नहीं करना है किसी की परवाह नहीं करना है और अच्छा काम करना है इसी तरह दोनों एक दूसरे को दिलासा देते रहते शोला और सबनम की कहानी बचपन के प्यार और अमीर लड़की की करीब लड़के से प्यार की कहानी थी इस कहानी में नयापन कुछ नहीं था लेकिन निर्देशक रमेश सहगल ने कहानी कहने के तरीके से इसे कभी ना भूलने वाली दास्तान बना दिया इस फिल्म का संगीत खयाम साहब ने दिया था वो फिल्मों के इतने बड़े रसिया थे कि महज दस साल की उम्र में घर से भागकर दिल्ली आ गए थे और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की तरफ से पूरी दुनिया में लड़ाइयाँ लड़ी तीन साल फौज में बिताने के बाद उन्होंने मुंबई जाकर अपने ख्वाबों को सच करने की ठानी काफी संघर्ष के बाद उन्हें 1948 में फिल्म हीर रांझा में संगीत देने का मौका मिला इस फिल्म में मोहम्मद रफी साहब गीत से उन्हें पहचान मिली में वो तो लेकिन कामयाबी दूर थी ये कामयाबी उन्हें फिल्म शोला और शबनम से मिली जिसने उन्हें संगीतकार के रूप में स्थापित कर दिया इस फिल्म में कई गाने थे लेकिन दो गाने खास तौर पर आज तक याद किए जाते हैं हिंदी सिनेमा के उस दौर में संगीत का क्षेत्र बहुत व्यापक था और एक एक गीत पर महीनों तक काम चलता था खयाम साहब सुरों और रागों से कतई समझौता नहीं करते थे वो जो धुने बनाते उन्हें गाने में बड़े बड़े गायकों को पसीना आ जाता फिल्म शोला और शबनम के इस गाने में मोहम्मद रफी जी को भी 21 टेक लेना पड़ा था जबकि रफी साहब ज्यादातर गाने एक बार में ही ओके कर देते थे उस जमाने में गीतकार जब गीत के बोल लिखते तो वो कई बार एडिट किए जाने के बाद फाइनल होता फिल्म के बजट का बड़ा हिस्सा और फिल्म निर्माण का बड़ा समय संगीत बनाने में लगता था तब एक एक गीत के लिए गायकों का रिहर्सल सेशन कई दिनों तक चलता था जब एक एक साजिंदे का म्यूजिकल नोट परफेक्ट हो जाता तब रिकॉर्डिंग का दिन तय किया जाता उस जमाने में जिस दिन रिकॉर्डिंग होती थी तब गायक से लेकर संगीतकार साजिंदो और टेक्निकल स्टाफ की सांसें फूली रहती थी संयोग से जिस दिन इस गीत की रिकॉर्डिंग तय हुई उस दिन रफी साहब को 102 डिग्री का तेज बुखार था 102 डिग्री बुखार में आम इंसान गाना तो दूर ठीक से बातचीत भी नहीं कर सकता है दरअसल उस जमाने में मोहम्मद रफी और आशा जी से लाउड गीत ज्यादा गवाए जाते थे लेकिन ये गाना बहुत धीमा था जाने क्या रहते ये में। आज भी इस गाने को सुना जाता है तो इसलिए क्योंकि इसमें संगीतकार खयाम का ठहराव से भरा मधुर संगीत गीतकार कैफी आजमी का शायराना अंदाज और रफ़ी साहब की अमर आवाज और गाने की डिमांड के मुताबिक उनकी अदायगी सुनाई देती है आ दिल में लगे कुछ न रहा कुछ न बचा संगीतकार खयाम को जब ये पता चला कि रफी साहब को बुखार है तो उन्होंने रफी साहब से कहा कि आज रिकॉर्डिंग को कैंसिल कर देते हैं लेकिन वो इस बात के लिए राजी नहीं हुए रफी साहब का मानना था कि रिकॉर्डिंग कैंसिल हो जाने से फिल्म के प्रोड्यूसर के समय और धन के साथ साथ, साथ संगीतकार साजिंदो और टेक्नीशियन सबका नुकसान होता है वो नहीं चाहते थे कि उनकी तबीयत की वजह से इतने सारे लोगों को नुकसान उठाना पड़े इसलिए तेज बुखार में भी वो रिकॉर्डिंग के लिए आए और साढ़े तीन मिनट का पूरा गीत रिकॉर्ड किया। जो वो नहीं वो सकता। उनकी तबीयत कितनी खराब थी ये इसी बात से पता चलता है कि रफी साहब ने इस गीत में एक दो नहीं पूरे 21 रिटेक लिए लेकिन आज इसे सुनने पर कतई ये नहीं लगता कि यह खराब तबीयत से गाया गया गीत है रफी साहब ने खुद तकलीफ उठाकर कई लोगों को नुकसान से बचा लिया और इसीलिए आज भी दुनिया और फिल्मकार रफी साहब के मुरीद हैं आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों आप ये जरूर बताइए कि आपको ये पेशकश कैसी लगी आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी और रोचक जानकारी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद